हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन हैविंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस. पूछा गया है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो ह्यूमन में है. फर्स्ट वन इज एबी ब्लड ग्रुप इज द केस ऑफ कोडोमिनेंस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स. से सही दिया हुआ है. यहाँ पर अगर हम देखें जैसे एबी ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ जीनोटाइप क्या होगा, IA IB. तो हमें पता है कि हेटरोजाइगस कंडीशन में यहाँ दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं. यहाँ जैसे RBC जो होगा उसके ऊपर दोनों ही एंटीजन एक्सप्रेस हो रहे हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. तो जब हेटरोजाइगस कंडीशन में दोनों ही एक्सप्रेस होंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं. और यहाँ पे अपने पेरेंट से रिजेंबलेंस शो करते हैं. जैसे यहाँ पे ए फादर में ए है एंड मदर में बी है. तो यहाँ पे अगर हम देखें जो RBC होगा उसके ऊपर एंटीजन क्या होगा, ए. एंड यहाँ पे जो RBC है उसमें मेम्ब्रेन पे अगर हम देखें यहाँ पे एंटीजन बी होगा. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये दोनों ही पेरेंट्स से रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं, तो ये तो सही है. एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई विच हैज़ 3 एलील्स, IA IB एंड स्मॉल आई. ये सही दिया हुआ है. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिंगल जीन जो आई है इसका अगर हम देखें यहाँ पे ये मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है, इस ये वाला जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे आई जीन जो है इसके तीन फॉर्म है. यहाँ पे तीन फॉर्म कौन से, IA IB एंड स्मॉल आई. इसमें अगर हम देखें किसी एक इंडिविजुअल में दो ही हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ही होगा. तो यहाँ पे इन दोनों में से या फिर इन तीनों में से कोई दो ही होगा किसी भी इंडिविजुअल में. अगर हम देखें यहाँ पे तो ये तो सही दिया हुआ है. नेक्स्ट, प्रोटीन पॉलीमर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द RBC डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप. ये जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें ये प्रोटीन पॉलीमर नहीं होता. यहाँ पे अगर हम देखें तो वो क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है. ये ग्लाइकोप्रोटीन है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो डिफरेंस है कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे एंटीजन ए, एंटीजन ए एंड जो एंटीजन बी होगा, एंटीजन बी, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये डिफरेंट होता है. यहाँ पे प्रोटीन पॉलीमर नहीं, गलत दिया हुआ है. देर आर अ टोटल ऑफ 6 डिफरेंट पॉसिबल जीनोटाइप्स इन द ह्यूमन एबीओ ब्लड टाइप्स. ये सही दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे पॉसिबल 6 कौन से हो सकते हैं, IA के साथ IA हो सकता है, या फिर IA के साथ स्मॉल आई हो सकता है, IB के साथ IB हो सकता है, या फिर IB के साथ स्मॉल आई हो सकता है, या फिर IA के साथ IB हो सकता है, या फिर स्मॉल आई के साथ स्मॉल आई हो सकता है. तो यहाँ पे पॉसिबल जीनोटाइप तो 6 है, लेकिन पॉसिबल फिनोटाइप कितने होंगे, 4 होंगे. ये दोनों किसके लिए करेंगे, ए, देन ये दोनों किसके लिए, बी के लिए. और यहाँ पे अगर हम देखें ये किसके लिए, ए बी ब्लड ग्रुप के लिए. देन ये वाला किसके लिए, ओ ब्लड ग्रुप के लिए. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, दिस थर्ड वन. सो करेक्ट आंसर टू दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द